Welcome to our random thoughts. No topic, no plan, no agenda, just random thoughts. जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है, कभी आपके साथ अच्छाई होती है, कभी बुराई होती है. और हम हमेशा पूछते हैं जब कोई बुराई होती है, कि हम ये पूछते हैं कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है. मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ. फिर अगर सोचूँ तो दरअसल मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने तालीम में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया. मैं कोई फ़ख्रिया नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पूरी मेरी जो तालीम का ज़माना था, मैंने तालीम के अलावा हर काम किया. यानी मेरे वालदैन पूरी कोशिश करते रहे कि पढ़ लिख लो, लेकिन पढ़ाई के अलावा मैंने हर चीज़ पे फोकस किया, मस्तियाँ करता रहा. और एक अरसे तक मैं समझता कि मैं नालायक किस्म का आदमी हूँ. लेकिन अल्लाह ताला ने कभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं की. मेरे वालदैन ने बड़ी मेहनत करके मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला, इंजीनियर बनाया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. और फिर मैं वालिद के साथ कारोबार में लग गया और ज़िंदगी यूँ चलती रही. लेकिन मैंने कभी भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो फ्री में मुझे मिलती रहीं, मैंने उनकी कदर ना की. लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा होता रहा कि मेरे साथ मेहरबानियाँ होती रहीं. फिर एक वक्त आया कि मैं सॉफ्टवेयर की तरफ चला गया. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कारोबार करते करते एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं सॉफ्टवेयर में चला. मैं सॉफ्टवेयर की तरफ चला गया और वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की की, बड़ी मेहनत की. और मैं घर बैठे बैठे बग़ैर एक दिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पढ़े हुए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया. और मेरी कंपनी ने बहुत काम किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, इस हद तक कि मैं पाशा का चेयरपर्सन भी रहा, यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन जो है उसका कुछ अरसे चेयरपर्सन रहा. अच्छा, उसके बाद मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. मैंने एक दिन जो जर्नलिज्म की तालीम हासिल की हो, न जाने कैसे कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं टीवी पे आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर भी हुआ और एक ज़माने से 14-15 साल होने को आए मैं टीवी करता रहा. अब अगर ये सवाल किया जाए कि मुझे ये सब क्यों मिला, मैंने हाँ हर काम में मेहनत बड़ी की, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास कहाँ से आई, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं है. सिर्फ अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुदरत कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी. और अगर जब मैं ये पूछता हूँ मुश्किल वक्त में कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मुझे अच्छाई के वक्त या मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं तब भी तो पूछना चाहिए, अरे मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ये अच्छा क्यों हो रहा है. जितनी मेहनत मैंने की उससे कहीं ज़्यादा मेहनत एक वो शख्स करता है जो सुबह बेचारा निहार मुँह निकलता है, रेड़ी के ऊपर चार टमाटर, कुछ प्याज, कुछ सब्जी, कुछ फल लेके घर से उसको रेड़ी को घसीटता हुआ मीलों पैदल चलता है बेचारा. वो जाके कहीं धूप में सारा दिन खड़ा होता है, ऐसे हाथ हिलाता रहता है और एक एक आलू एक एक टमाटर बेच के बातें सुनता. अरे ये तो ख़राब है, अरे इतना महंगा बेचो, अरे लूट के खा दो, वो सारी बेचारा बातें सुनता. दिन के आखिर में वो फिर रेड़ी घसीटता हुआ वापस आता. जितने पैसे मैं बगैर उंगली हिलाए हुए कमा लेता हूँ, वो शख्स सारा दिन रेड़ी घसीट के भी नहीं कमा पाता. जितना पैसा मैं मजाक में ज़ाया कर देता हूँ, उस बेचारे की शायद एक दिन की पूरी मेहनत भी नहीं कमा पाती. क्या उसका हक नहीं था, जो कुछ मेरे पास है उस पर उसका हक क्यों नहीं. सिर्फ इसलिए कि वो शख्स एक ऐसी जगह पैदा हो गया, या उसको वो माहौल मिला, या उसको बस वो भाई मुझे किसी ने कहा टीवी पे आओगे, उससे क्यों नहीं पूछा किसी ने कि टीवी पे आओगे. मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, वो भी तो बन सकता था. ये कुदरत का खेल है. मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है. उसके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन उसके पास भी बहुत कुछ है. शायद वो कहीं मुझसे कहीं ज़्यादा खुश हो, शायद उसके घर में रिश्तों में मुझसे कहीं ज़्यादा खुशियाँ उसको मिलती हों, शायद वो मुझसे ज़्यादा बेहतर रोटी खाता हो, क्योंकि मैं तो बड़ा आदमी हूँ ना भैया, रोटी भी गिन गिन करने वाला खाता हूँ कि मोटा ना हो जाओ, कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं चलता ही नहीं. मैं बड़े वो 5,000 रुपये की मेंबरशिप की जिम में जाके ऐसे 10 मिनट ऐसे मटक मटक के दौड़ता हूँ, वो जितना एक दिन में चल लेता मैं एक साल में वर्जिश नहीं कर सकता, तो शायद उसकी सेहत मुझसे बेहतर हो. तो ये कहना कि उसके पास कमी है ये भी गलत है, उसके पास ही बहुत कुछ है. और ये कहना कि मेरे पास बहुत कुछ है बहुत कम है, ये भी गलत है. हर किसी के पास कुछ है और कुछ नहीं है.
मेरा फ़र्ज़ यह है कि जो मेरे पास है मैं उसका शुक्र करूँ और जो नहीं है उस पर सब्र करूँ। और अल्लाह ताला से जब मैं ये सवाल करता हूँ कि या इलाही तूने मेरे साथ ये क्या बुरा किया, तो मुझे उसी अजन क्या बता अजनपा होता है क्या लफ्ज़ होता है, उसी उसी एक एक, एक, एक सरप्राइज़ के साथ मुझे या अल्लाह तूने मेरे साथ ये अच्छा क्यों किया, मैंने ऐसा कौन सा कमाल किया कि तू मेरे साथ भला कर रहा है, और मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है। अल्लाह ताला से ये सवाल करते रहिए तो जो बुराई हो रही है उस पर आप अपनी तसहीह करेंगे, ख़ुद को बेहतर करेंगे, और जो अच्छा हो रहा है उसकी कदर करेंगे। ये ना समझिए कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। Don't forget to follow on Facebook, Instagram, and YouTube. The links are right here.